नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ नजर आ सकता है। बीते कई महीनों से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता गवा दी है, तो वहीं अब अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने के लिए, शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त के दिन सुनवाई होने वाली है। आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आएगा, आखिरकार असली शिवसेना किसकी कहलाएगी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की या फिर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, इसको लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। राज ठाकरे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था। और दूसरी ही तरफ ये दावा किया गया कि राज ठाकरे के बेटे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष, छात्र संगठन के अध्यक्ष अमित ठाकरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बीजेपी की तरफ से। हालांकि इन खबरों को अफवाह करार दिया राज ठाकरे ने। अब देखा जाए तो तमाम अटकलें लगाना शुरू हो चुका है। हाल ही में राज ठाकरे ने शिंदे गुट के एक विधायक से मुलाकात की। जी हां, आपको बताया हमने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्री पद की वह शपथ ग्रहण कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है, जिसके बाद से कयास लगाना तेज हो गया है राज ठाकरे को लेकर। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। शरद पवार जो अपनी पार्टी को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शरद पवार कभी ना कभी राज ठाकरे को फोन भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को लेकर ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी की तरफ रुख इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह अपने चचेरे भाई उद्धव को बचाना चाहते हैं, उनकी पार्टी शिवसेना को बचाना चाहते हैं। मालूम हो कि साल 2004 में शिवसेना से अलग हुए थे राज ठाकरे, और साल 2005 में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि शिवसेना के सभी पदों से वह इस्तीफा दे रहे हैं, और अब आज वह अपनी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन इस वक्त अब कहा जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे जी की छवि जो राज ठाकरे में नजर आती है, वह अगर शिवसेना में एक बार फिर से विलय हो जाते हैं अपनी पार्टी के साथ, तो यहां पर शिवसेना बच सकती है। कहा यह जा रहा है कि यदि शिवसेना की कमान उनके हाथों में जाती है तो शिवसेना की डूबती नैया को वह बचा सकते हैं। ऐसे में शरद पवार शायद उनका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि शिवसेना इस वक्त दो गुटों में बटी हुई है। विधायकों ने बगावत की तो वहीं सांसद भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। ऐसे में जल्द ही शरद पवार भी शायद उनकी तरफ रुख कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें, हाल ही में शरद पवार ने कहा कि चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, उस चुनाव चिन्ह को वह छोड़ दें और अपनी एक अलग पार्टी बनाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब उन्होंने छोड़ी थी तो उनके अस्तित्व को नहीं मांगा था, उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, और वह यही सलाह दिए हैं एकनाथ शिंदे को। फिलहाल देखा जाए राज ठाकरे को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का क्या फैसला होता है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।